मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स ने जो मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें मैंने अनवर मसूद साहब की पंजाबी पोएम पढ़ी, वो उनको बहुत पसंद आई और थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत शुक्रिया। मैंने पंजाबी बहुत कम पढ़ी है, कोशिश मैंने की थी कि मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन कि आप सब जो आजकल इतनी पैनिक सिचुएशन में हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। तो उसमें से काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे इन पर्सन मैसेज किया कि हम अनवर मसूद साहब को मज़ीद सुनना चाहते हैं, चूँकि उनकी पोइट्री इतनी खूबसूरत है। तो मैंने सोचा कि चलें आज कुछ और मज़ीद जो एक दो पोइम्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें ख़ास तौर पर मैंने इस पोइम को इसलिए सिलेक्ट किया कि आजकल जैसे आपने देखा कि हम कोरोना वायरस की वजह से बहुत परेशान है, तो उसमें आपने ये देखा कि हर कोई डॉक्टर बना होता है, हर कोई ना कोई मेडिसिन सजेस्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पाकिस्तानियों की बड़ी खूबी है कि बाकी सारी दुनिया से पहले हम साइंटिस्ट बन जाते हैं सब लोग और अपनी अपनी मेडिसिन सजेस्ट करने लगते हैं। तो इसी हवाले से मैंने ये पोएम जो है सेलेक्ट की। नज़्म का उनवान है सर दर्द में गोली ये बड़ी जूद असर है। सर दर्द में गोली ये बड़ी जूद असर है, पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। हो सकती है पैदा कोई तबखीर की सूरत, हो सकती है पैदा कोई तबखीर की सूरत, दिल तंग व परेशान भी हो सकता है इससे। हो सकती है कुछ सकले समाज की शिकायत, हो सकती है कुछ सकले समाज की शिकायत, बीमार कोई कान भी हो सकता है इससे। मुमकिन है खराबी कोई हो जाए जिगर में, मुमकिन है खराबी कोई हो जाए जिगर में, हाँ आपको यकान भी हो सकता है इससे। पड़ सकती है कुछ जिल्द खराशी की जरूरत, पड़ सकती है कुछ जिल्द खराशी की जरूरत, खारिश का कुछ इम्कान भी हो सकता है इससे। हो सकती है यादें भी जरा इससे मुतासिर, हो सकती है यादें भी जरा इससे मुतासिर, मामूली सा निस्यान भी हो सकता है इससे। हो सकता है लाहक कोई पेचीदा मर्ज भी, हो सकता है लाहक कोई पेचीदा मर्ज भी, गुर्दा कोई वीरान भी हो सकता है इससे। मुमकिन है कि हो जाए नशा इससे ज्यादा, मुमकिन है कि हो जाए नशा इससे ज्यादा, फिर आपका चालान भी हो सकता है इससे। मुमकिन है कि हो जाए नशा इससे ज्यादा, फिर आपका चालान भी हो सकता है इससे। कैसी लगी बच्चों आपको ये नज़्म, मजा आया? हाँ जी मुझे आया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोएम है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह, मुस्कान मुस्कुराहट है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वगैरह। बिल्ली जो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई है, बिल्ली जो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई है, थैले में तो कुछ और था सामान वगैरह। अब होश नहीं कोई कि बादाम कहाँ हैं, अब होश नहीं कोई कि बादाम कहाँ हैं, अब अपनी हथेली पे हैं दंदान वगैरह। किस नाज से वो नज्म को कह देते हैं नसरी, किस नाज से वो नज्म को कह देते हैं नसरी, जब उसके खता होते हैं औजान वगैरह।
जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान हर शर्ट की वो शर्ट बना डाली है अनवर, हर शर्ट की बू शर्ट बना डाली है अनवर, यूं चाक किया हमने गिरेबां मैं मेरे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर इसलिए बैठे होते हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे लेजेंड पोइट्स हैं वो जरूर उनकी पोइट्री को एटलीस्ट सुने, एक दफा उनकी समातों से गुजरे। और आप सबके साथ भी शेयर करने का मकसद यही है कि हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है, तो आप इनकी शायरी को पढ़ा करें। इनकी शायरी जो ज़ाहरी तौर पर तो मज़ाक के रंग में होती है, लेकिन दर हकीकत इसके अंदर पिनहा बहुत ज़्यादा मायने छुपे होते हैं जो हमें बहुत से लेसन्स देते हैं। वो इखलाकी भी हैं, वो समाजी भी हैं, वो रूहानी भी हैं, हर लिहाज से वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की दोनों पोइम्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर तमाम किस्म की जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सकती हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।